अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। क्लास 4 एक्सरसाइज 7A और क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पे वो कहता है ड्रॉ ए बी 5 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर। यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये यहां पे 5 पे निशान लगा दिया आपने और इनको आपस में मिला दिया। ये हमारा हो गया ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और हमने 5 सेंटीमीटर से लिख दिया। वो कहता है टेक अ पॉइंट पी अबव। हमने यहाँ पे एक पॉइंट जो पी है वो लिख लिया, अबव साइड पे ले लिया। ड्रॉ द लाइन पी क्यू एज पैरेलल टू पासिंग थ्रू द पी। वो कहता है जी ड्रॉ लाइन पी क्यू करनी है आपने जो पासिस थ्रू इसके साथ में जाए और पैरेलल भी हो। हम इसे क्यू का पॉइंट दे देते बेटा, पी क्यू ये होगी। तो ये पासिस थ्रू पी के पॉइंट से गई और इस लाइन के पैरेलल भी आ गई। ये आपका था क्वेश्चन नंबर जो 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो कहता जी टेक अ एक्स वाई टू 12 सेंटीमीटर। चलें जी एक्स वाई लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर का, 0 पिन लगा दिया और ये 12 है। तो यहां पर आपने इसका पॉइंट लगा दिया, आपने इनको आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। ये आपका आ गया x और ये आ गया y 12 सेंटीमीटर का बेटा। अच्छा वो कह रहा है कि आपने KL भी ड्रॉ करना है 12 सेंटीमीटर का। तो देखिए बेटा आप इसको सेम एज इट यहां पे रखें, यहां पे 0 पे लगाएं, यहां पे 12 पे निशान लगाएं, दो पॉइंट्स आ गए। आप इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, इसका नाम K रख दें, इसका नाम L रख दें, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। आप कहता है ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये लाइन है। वो कह रहा है सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ करें। तो सेट स्क्वायर से ड्रॉ करने का बेटा ये साइड है कि आप इस तरह लगा के इनकी लेंथें लेके यहाँ पे इस तरह सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।